तो अभी 10 सेकंड में चालू हो जाएगा 7वां एपिसोड टूटा एक तारा, देखते हैं। हॉस्पिटल में पत्ते कौन खेत? तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने हरमन बवेजा को ऋतिक रोशन समझ लिया। मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है, मैं तुम लोगों को बताने वाला था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना तुम लोगों का इम्तिहान लिया जाए, थोड़ी सी मस्ती की जाए। लॉटरी नहीं लगी, आता मैं तो लगा मराठी मध्ये सांगू, नहीं लगी लॉटरी मेरी। जरूरत से ज्यादा बोलने वाले या तो बहुत डरे हुए होते हैं या फिर बहुत खुश होते हैं। बिना चेहरा दिखाए बकचोदी करने वाले या तो ट्विटर पे होते हैं या फिर बिग बॉस में होते हैं। दूसरों उंगली करने वाले या तो अंपायर होते हैं या फिर जॉनी सिंह होते हैं। एक ही जगह बैठ के बकबक करने वाले या तो दादाजी होते हैं या फिर लंगड़े दादाजी। ऐसे बेतुके कंपैरिजन करने वाले। अरे ये पेटी हटा के बात करना यार। मुझे खाने जा रहे। और ये इतना सारा पैसा है। टॉपर होने के बावजूद आंसर शीट दिखाते नहीं थे,
हवस की आग जगाकर वापस बुझाते नहीं थे, आई एम कमिंग बोल के आते नहीं थे। अब तो मैं आ भी गया और तेरे मतलब की बात करने के लिए आया हूँ। क्यों, पैसे मिल गए क्या? अरे ये फाकी छू, एक बिलियनर को मिलियनर होने की स्कीम। अच्छा बाबा, मैं मिलियनर, तू ट्रिलियनर, खुश? पैसे दे मेरे। अरे ब्याज समेत तेरे सारे पैसे लौटा दूंगा कल के कल। क्या लौटा दूंगा? ये तो बहुत खुशी की बात है, चल मेरे साथ कुवैत में, मेरे विला में, वहाँ माहौल जमाएंगे। अरे वाह, नाम बता। माहौल विला कुवैत। So smart. आ दीदी, करोड़ पत्नी, क्या हाल है? हाँ दीदी, बोलो क्या हुआ? क्या नहीं लगी? नहीं लगी रबर बैंड नहीं लग रहा, वो गड्डी बड़ी मोटी है ना। हाँ वो तेल लगा के खींचो। हाँ बैंड को। हाँ हाँ अच्छा, ओके। पैसा ना हो तो चैन नहीं मिलता, हो तो रबर बैंड नहीं मिलता। मैं कल मिलता हूँ तेरे को पैसे लेके। हाँ भूख खत्म नहीं हो रही तुम्हारे बॉस की, बिलियनेयर झाटू। मैं कल आता हूँ, ये लतिका दे दे मुझे। पैसे ले आ लतिका, ले जा। ठीक है मैं कल मिलता हूँ। इसका क्या होगा? वापस चाहिए वो हमें। देखिए मैंने किसी को नहीं बताया था कि मेरी लॉटरी लगी है। मतलब हम सब झूठ के प्यासे हैं। इन लोगों को तो सोसाइटी से बाहर निकाल देना चाहिए। सारे खाम टूट गए। ओ एक सेकंड, किसने तोड़े खाम? इन्होंने। कभी आपने सोचा आपकी जिंदगी में झूठे वादों के अलावा और कुछ भी नहीं है? मैं गलत बोल रहा हूँ? झूठे वादों को आपसे बेहतर कौन समझ सकता है? और ये जो आपने बनाया पुतला, किससे पूछे बनाया? इन बुजुर्गों से। वही सोच के उन्होंने लॉटरी टिकट खरीदी, बस पढ़ नहीं पाए। हमारे प्यारे भोले बबलू जी को लगा कि जीरो तो गिनना ही नहीं होता, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया ना कि जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, एकदम बेकार है। पर अब आपको जीरो की वैल्यू समझ आई पापा? हॉस्पिटल में जब इनको होश आया तो एक लंबी लाइन में लोग आए लॉटरी की बधाई देने। नहीं, हालचाल पूछ रहे थे ना। मैं जानता हूँ पापा ने जो भी किया वो गलत किया। So sad, इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग अपनी उम्मीदों का टोकरा उनके सर पे बांधेंगे। हमारे परिवार को कुछ दिनों के लिए हीरो बनाने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके भेजे हुए तोहफे घर पे रखे हुए पैसे के पैसे ले जाइए, आइए ले जाइए। So sad. का ब्रेक है, एक ट्रेन जाती है लंदन टू पेरिस एंड बर्लिन एंड एम्स्टरडम, सब जगह जाएंगे। किसी भी स्कूल से बहुत बड़ा है। क्या सपोर्टिव गर्लफ्रेंड है? पता नहीं कौन से पल में मेरी किस्मत लिखी हुई है। अगर लॉटरी ना होती तो शायद अंकल का एक्सीडेंट नहीं होता। तुम्हारे जरा न जाए कहीं, तुम्हें देरी टूटा एक तारा। गाना कौन टाकल है? डूब गया है बादलों के पीछे जाने। क्या बात है? तुम्हें कुछ लॉन्ग डिस्टेंस फेल हो जाते हैं तारा। आई एग्री, झूठी तसल्ली देते हैं बस। एक्सपीरियंस उसके बाद तुम बिजी, मैं बिजी। इंस्टाग्राम पे एक दूसरे को कॉपी वीडियो सेंड करें, उसके बाद तुम बिजी, मैं बिजी। और टाइम जोन हमारे सबसे बड़े दुश्मन है।
मेरा हर गुड मॉर्निंग तुम रात में पढ़ोगे, फिर वहां तुम्हारे नए दोस्त बनेंगे जो मेरे से ज्यादा हैंडसम, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे होंगे। और वैसे भी फिरोंगों का हमारी लड़कियों में ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है। प्रियंका को ही देख लो, कहाँ है वो? टाइम जोन कोई दूसरा हमारे बीच नहीं आ सकता। And I know it's easier said than done, but अगर try नहीं करेंगे, तो we might end this before it could blossom into something special. प्रियंका, प्रियंका का क्या? वो जहाँ है, खुश है। And who are you to decide for me? कौन हो तुम? Boyfriend? हाँ शायद, लेकिन कब तक? अरे रे 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 शह रेखा भारद्वाज का आवाज है डॉक्टर तारा लुक्स लाइक समवन समवन आई हैव रिसेंटली मेट Why am I getting that feeling that somehow she looks like someone, one of the models for Rafu Jakkar, है ना? A bit. Wow, what an episode. Dude. गाइस दैट वाज 7th एपिसोड मतलब क्या ही बोलूं मैं आंख में पानी आ गया द लास्ट ट्रैक इज आल्सो अमेजिंग बहुत मजा आया वाओ अभी नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा वो देखना पड़ेगा बिकॉज इफ आई एम नॉट रॉन्ग 10 एपिसोड है ये 7th एपिसोड है अभी 2 एपिसोड 3 एपिसोड और बाकी है 8 9th और 10th सो लेट्स सी क्या होता है आई होप तुम लोग को ये एपिसोड अच्छा लगा आई एम श्योर अच्छा लगा ही होगा आई होप तुम लोग को रिएक्शन वीडियो अच्छा लगा मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ अंटिल देन फ्री स्टाइल ट्रैवल इंस्पायर आई विल सी यू गाइस टुमारो बाय